हम पहले चरण से लेकर के तीसरे चरण तक मतदान में दिखाने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है। कहते हैं ठाकुर समाज, ऐसी कोई बात नहीं है, जातिवादी कुछ नहीं है, बदलाव की लहर है। ये लोग क्या है, थोड़ा सा अनाज दे देते हैं कंट्रोल पे जाके, कहते हैं बस तुम चुप बैठ जाओ, 5 किलो अनाज से पूरा महीना थोड़ा करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें होती हैं घर में। इस चीज के ऊपर जो असल मुद्दा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, एक रोड नहीं बता सकते हैं यहाँ से 20-20 किलोमीटर तक ये रोड कराया है कि ये काम कराया है। बता भैया, छत्रियों की सरकार है तो छत्रियों के लिए क्या करा? बता, ये युवा डोलिया किसी से पूछ लो, किसी की नौकरी लगी है? सब पढ़े लिखे हैं, बता। अरे किसान नेते थे, उनने अपना ही घर भर लिया है, बस 1.5 बीघा जमीन थी, 150 बीघा जमीन है अब उनके पास, 500 करोड़ के आदमी हो गए हैं अब सांसद जी। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है, मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम पहले चरण से लेकर के तीसरे चरण तक मतदान में दिखाने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है, और ख़ासकर ठाकुर समाज जिसने परंपरागत तौर पर 2014, फिर 2017, 2019, 2022 लगभग 4 चुनाव लगातार उत्तर प्रदेश में, यानी 2 विधानसभा और 2 लोकसभा में बीजेपी को जमकर वोट किया है, क्या इस बार 2024 में भी ठाकुर समाज बीजेपी को वोट दे रहा है? क्योंकि पहले चरण में, दूसरे चरण में हमने देखा है ठाकुर समाज ने बीजेपी को वोट नहीं दिया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ठाकुर समाज के ही लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, हम आगरा फतेहपुर सीकरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के में हम लोग घूम घूम कर कोशिश कर रहे हैं कि सही पिक्चर दिखाएं। तो क्या इस बार तीसरे चरण में भी ठाकुरों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, ये जानने की कोशिश करते हैं। कुछ युवा हैं, आपका नाम क्या है? नाम बताइए। चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, किस समाज से हैं आप? ठाकुर समाज से हैं आप। तो आप लोगों ने परंपरागत तौर से 2014 में, 2017 में, 2022 में, 2019 में बीजेपी को वोट दिया, इस बार 2024 में वोट दिया आपने, किसको दिया? कांग्रेस। बीजेपी को वोट नहीं दिया, पहले चरण में भी ठाकुरों ने वोट नहीं दिया, दूसरे चरण में भी नहीं दिया, तीसरे चरण में भी, क्या नाराजगी बीजेपी से? कोई है वो अपना ठाकुर है वो खड़ा है इस समय। मतलब आपके गांव में कितने ठाकुर होंगे आप बताइए, आपका नाम? मेरा रविन धाकरे नाम है मेरा। आप भी ठाकुर समाज से हैं? सब ठाकुर समाज से हैं। यहाँ पे एक विकास के लिए वोट हो रहा है, यहाँ पे चुनाव हो रहा है, एक यहाँ पे धारा कहते हैं ठाकुर समाज, ऐसी कोई बात नहीं है, जातिवादी कुछ नहीं है, बदलाव की लहर है, सब आदमी बदलाव के लिए जा रहा है। और नाराजगी थी यहाँ के पिताजी के लिए जो पहले रहा था उसके लिए, और कोई बात नहीं है। बीजेपी से ना पहले शिकायत ना अब शिकायत थी, कभी शिकायत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे जो पिताजी था पहले उससे शिकायत है, वो कभी क्षेत्र में आया नहीं, विकास करा नहीं, और कोई जितनी भी समस्या थी वो सारी समस्या हमने आगे रखी थी, कोई समस्या हल ही नहीं हुई। तो उससे एक बात बताओ, उससे हमें दोबारा चुनने से फ़ायदा क्या है उसको? आप भी पीछे युवा खड़े इधर आओ भैया, यहाँ तो आओ। क्या नाम है आपका? अमित ठाकरे। अमित, आप भी ठाकुर समाज से हैं। आप लोगों के लिए युवा हो, अग्निवीर, परीक्षा, रोजगार मुद्दा है इस चुनाव में? बिल्कुल है सर, बिल्कुल भी है। आप तैयारी करी फौज में जाने की? तैयारी दौड़ते उड़ते थे? नहीं सर। आपने तैयारी नहीं करी? नो। किसको वोट दे के आए हैं? बीजेपी को। बीजेपी को वोट दे के आए, बीजेपी को भी वोट मिल रहा है, बीजेपी को वोट दिया, क्या पसंद है बीजेपी में? पसंद है सर, बीजेपी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी पार्टी है। क्या लगता है बेहतर है आपके लिए बीजेपी में? सर बहुत अच्छा काम है बीजेपी का। कौन पसंद है बीजेपी में? योगी बाबा पसंद है सर। योगी बाबा पसंद है बीजेपी में? योगी जी के लिए वोट किया आपने, कैंडिडेट के लिए वोट नहीं किया यहाँ पे? राजकुमार साहब, मतलब बीजेपी के लिए लोग वोट कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? रवि पाठक। रवि पाठक, पाठक, आप ब्राह्मण समाज से हैं, तो क्या चल रहा है यहाँ पर? आप लोग अपर कास्ट हमेशा बीजेपी को वोट देते रही है, आपने बीजेपी को वोट दिया या फिर इस बार कांग्रेस या किसी दूसरे दल को, बसपा को दिया है? बदलाव की लहर में कांग्रेस है इस टाइम, पूरा गांव ही कौन कहता है, चाहे ठाकुर हो या पंडित हो या पर उस कैंडिडेट पहले से भी अच्छा नहीं था। एक बार जनता के सभी पैसों से यहाँ पर सभी जनता नाराज है, चाहे जो अग्निवीर पर वो हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सबसे ज़्यादा महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा हुआ है। दुकानदार लोग भी सभी खिलाफ़ हैं उनके, ये समझ लो इस सरकार ने दुकानदारों के लिए कुछ नहीं किया, व्यापारी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया, नौजवान साथियों के लिए कुछ, अग्निवीर की योजना देख के 4 साल की, सबको ठगा है इन्होंने, कागज़ के घोड़े बुलाए इन्होंने, काट के घोड़े बुलाए हैं,
मतलब सारी जनता युवा वर्ग पूरी तरह से दुखे, पूरा बिजनेस ठप है, पूरी बेरोजगार लोग हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। ये केवल बातें बनाते रहते हैं, कुछ रोजगारी पे बात नहीं करता, महंगाई पे कोई बात नहीं करता है, बहकावे की बातें करता है और की बात नहीं। इसीलिए इसे बदलाव की लहर में इस टाइम कांग्रेस के साथ हैं सब लोग और बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी कहती है कि उन्हें राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी, देश सुरक्षित हाथों में है, ये सारी बातें प्रचार में कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राम तो देखो सबके हैं बिल्कुल, चाहे कुछ हो, राम तो कहीं गए नहीं थे, ना किसी को छोड़ के गए थे ना जाएंगे, वो तो सभी के राम हैं। 3/7 जो हमें खाने के लिए नहीं देगी, हमें यहाँ का मेन जो लोकल अपना मुद्दा है जो पूरे इंडिया के कह रहे हैं नौजवानों के लिए, रोजगार, महंगाई, धंधा पानी, मजदूर आज परेशान है, दुकानदार परेशान है, महंगाई इतनी है, सारा सिलेंडर महंगा है, कोई भी चीज़ खरीदो बाजार में सारी चीज़ में घर के खर्चे नहीं चल रहे, रसोई इतनी महंगी हो गई है, परेशान है आदमी। ये लोग क्या है, थोड़ा सा अनाज दे देते हैं कंट्रोल पे जाके, कहते हैं बस तो चुप बैठ जाओ, 5 किलो अनाज से पूरा महीना थोड़ा कटा का जरूरत है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। इस चीज़ के ऊपर जो असल मुद्दा है उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, खाली चीज उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं कि वो इस बात का है, वो इस जात का है, जात पात का बात क्या मतलब नहीं है। ये चुनाव इलेक्शन हो रहा है जो महंगाई के ऊपर हो रहा है, बेरोजगारी के ऊपर हो रहा है, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं, बिल्कुल सरकार सुन ही नहीं रही है, ना गरीब आदमियों की सुन रही है, ना महंगाई की सुन रही है, ना बेरोजगारी की सुन रही है, तमाम अपने तानाशाही पे ले सरकार, अपनी उनकी तानाशाही के नीचे दबके कोई बात कर ले तो वो कर ले, नहीं तो सच ये बात। पाठक जी, आपने पिछली बार 2019 में किसको वोट दिया था? मैं पिछली 2019 में मैंने बीजेपी को वोट दिया था। बीजेपी को वोट दिया था, क्या उम्मीदें लेकर के बीजेपी को वोट दिया? उम्मीद को लेकर के बीजेपी एक नया लेके आई है तो कुछ लोगों के लिए नया करेगी, नया उम्मीद आएगी, नया विकास आएगा, नए नए लोगों को, बेरोजगार लोगों उनको रोजगार मिलेगा, नौजवान साथियों को। अब जी अग्निवीर निकाल दी, 4 साल में वो लोग इतने कई सालों से तैयारी कर रहा है लड़का, उसे महज अगर जब नौकरी मिलती है तो 4 साल के लिए मिलती है, 4 साल में वो क्या कर लेगा, क्या नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, ये सब भी चीज़ें के इसमें भी ध्यान बाजी है। तो सरकार का यहाँ पे केवल ये कुंडोल के मैं सभी लोगों को सब जानते हैं सबसे मेन मुद्दा है यहाँ पर महंगाई का, बेरोजगारी का। दुकानदार ले लो, ठेल से लेके एक बड़े दुकानदार तक ले लो, सब दुखी हैं। पाठक जी, वो वोटर हैं जिन्होंने 2019 में बीजेपी को वोट किया, आपका नाम क्या है? प्रदीप दाखरे। प्रदीप जी, क्या मुद्दा है? आप भी ठाकुर समाज से हैं, मैं कोशिश करता हूं, देखिए हम लोग कोशिश करते हैं जानने समझने की यहां पर कि भाई पिछली बार किसने बीजेपी को वोट किया और इस बार लोग किसको वोट कर रहे हैं। तो आपने पिछली बार बीजेपी को वोट किया था? बिल्कुल, सबने किया, सभी ठाकुरों ने किया, सबने किया, लेकिन अब नहीं कर रहे। अब की बार नहीं कर रहे, क्यों? प्रत्याशी के बदलाव की लहर है, प्रत्याशी को चेंज करना है, या तो पार्टी चेंज कर देती, चेंज नहीं कर रही है तो फिर जनता चेंज कर रही है। यहाँ के प्रत्याशी राजकुमार चाह रहे हैं, उनका वो उनका विरोध है, लोग नाराज क्यों हैं उनसे? उनको पिछली बार आप लोगों ने बहुत 4 लाख वोटों से जिताया था, 4-5 लाख से जिताया हूँ, ना तो क्षेत्र में आए वो, न किसी के दुख दर्द में आए वो, कोई गमी हो गई वहाँ नहीं आए, उन्होंने कोई विकास नहीं कराया, एक बोर्ड नहीं बता सकती हूँ यहाँ से 20-20 किलोमीटर तक के ये रोड कराया है कि ये काम कराया है, कोई काम नहीं कराया। आपका नाम क्या है? धर्मवीर सिंह। धर्मवीर जी, ये बताइए, आपने भी 2019 से बीजेपी को वोट किया? पूरी हमारी कुंडोल गांव ने ही किया था, पूरे वोट ने ही किया। अच्छा, इस बार ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए अग्निवीर, क्योंकि आपके भी गांव में तो युवा प्रैक्टिस करते होंगे, वो क्या मुद्दा है, उससे नाराजगी आप लोगों की? पूरा मुद्दा है, पूरा मुद्दा, वो तो मेन ही मुद्दा है, मेन मुद्दा वही है। 4 साल में क्या बच्चा करेगा, जब तक उसकी उम्र 22 होगी, जब रिटायरमेंट होके घर आ जाएगा, फिर मोदी जी तो 75 साल पर रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, बच्चों को घर भेज रहे हैं। अरे वही चीज है ना, सबसे बड़ा मुद्दा वही है, प्रत्याशी का मुद्दा है, क्षेत्र में ना आना, किसी के दुख दर्द में शामिल ना होना, इसलिए बदलाव की लहर है। कांग्रेस पार्टी को रामनाथ सकरवार को ही वोट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी को वोट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने वैसे मैनिफेस्टो में कहा है कि अग्निवीर योजना आते ही रद्द करेंगे, बिल्कुल उसी पे जो युवा वर्ग है वो भी वोट कर रहा है उसी चीज पे, जो जनता के लिए काम नहीं कर रहा है वो केवल उसी पे कर रहा है कि अग्निवीर रद्द हो जाएगी, अग्निवीर रद्द हो, पूरी भर्ती मिलेगी भाई, उससे जो है कि अपना बच्चा रोजगार भी है, अब 4 साल में क्या कमाएगा वो। पुलिस का भी पेपर लीक हो गया कांस्टेबल का उत्तर प्रदेश में, इनकी युवा का तो इतना बड़ा मुद्दा है हमारे क्षेत्र में, तुम इस क्षेत्र में कहीं पे भी चले जाओ, बच्चा ऐसे भटक रहा है, उसके लिए कुछ है ही नहीं, किस लिए पढ़े बताओ, पढ़ रहा है लाखों रुपए, देखो एक ग्रामीण है, ग्रामीण में सब लोग अपना किसानी करके बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कोई क्या कैसे क्या करें बताओ, आगे कोई जॉब ही नहीं है, किस लिए पढ़ाएं, ये सत्ता कहती है हमने ये करा वो करा, यह कागजों में ही सारा काम है, धड़ाधड़ पर कोई काम नहीं, हमारा ये गाँव का रास्ता था,
हम कम से कम 10 साल से 15 साल से इसमें ठोकर खा रहे थे, किसी ने बनाई नहीं, आवाज ही नहीं सुनी हमारी, कोई सुनता ही नहीं है। कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, कांग्रेस आई तो आप लोगों की, आपकी माता जी का मंगल सूत्र मुसलमानों में बांट देंगे, पाकिस्तान चाहता है कि शहजादा मुख्यमंत्री बने, मतलब तमाम तरीके की बातें प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं, और आप तो अपर कास्ट हैं, हिंदू हैं, कैसे हिंदू हैं आप? ये देखो हिंदू की बात है तो एक आप मोदी जी ने गुजरात में जो बयान दिया था उसमें कुछ बोला मोदी जी ने, हम छत्री वैसे कहते हैं, हम सब कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश में छत्रियों की सरकार, क्या करा छत्रियों के लिए बताओ, कुछ करा? गुजरात में इतना बड़ा बयान दे दिया, कुछ छत्रियों के बोले कोई भी? ये सत्ता बोली तो रुपाला का टिकट नहीं काटा उन्होंने, लड़ रहे क्यों काटते हैं ना, वो बेइज्जती खुद ही कराते हैं हमारी, बताओ हर जगह पे बेइज्जती, आज ठाकरों के सीटें काट दी सारी, बताओ क्या है हमारे लिए? और सबसे ज्यादा बीजेपी, सबसे ज्यादा बीजेपी का झंडा किसने उठाया था? छत्रियों ने उठाया था, बीजेपी सब खत्म हो गए थे, सब छत्री आगे आए थे, उनने सारा छत्रियों ने उठा के झंडा बीजेपी को वहां पे पहुंचाया दिल्ली तक, क्या करा छत्रियों के लिए? कुछ नहीं करा, बताओ आज युवा हमारा ऐसे डोल लिया है, ठोकर खाते दर दर की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, छत्री नहीं है? नहीं हाँ बताते, ये आप, ये मीडिया वाले आप लोग कहते हैं कि योगी जी छत्री नहीं है, छत्री कैसे हुए वो, जब वो बाबा है, एक मटके बाबा है तो छत्री कैसे हुए बताओ? अच्छा, आप योगी हैं, वो संत है ना, संत है वो, उनसे संत की कोई जाति नहीं होती। आप मीडिया लोग आप ही चलाते हो ये चीज, वो छत्री है ऐसे कैसे, आप ही बता दो, अगर वो हमारे छत्री है हम यही बोलने लगे तो आप मीडिया वाले बोलने लगेंगे कल कि आप छत्री छत्री करने लगे। एक ओवैसी है वो बोलते हैं उत्तर प्रदेश में छत्रियों की सरकार है, आज छत्री परेशान है बताओ, क्या करा छत्रियों के लिए बताओ? आज हम क्यों नाराज हैं उससे, बीजेपी से इसलिए नाराज हैं, हमारे लिए कोई काम करते क्षेत्र में, हमारे लिए, हमारे इसमें विभाग में सबसे ज़्यादा ठाकुर है हमारे इसमें, पदे वो सीकरी में 4.25 लाख वोट है, कभी छत्री को सीट दी? कभी भी कोई सीट नहीं दी है, सब जाटों को दे देते हैं, किसी और कास्ट को दे देते हैं, क्या ठाकुर मुड़ते हैं क्या बता? बेहतर छत्रियों की सरकार है तो छत्रियों के लिए क्या करा बताओ? ये युवा डोलिया किसी से पूछ लो, किसी की नौकरी लगी है, सब पढ़े लिखे हैं बताओ। आप पे कितने बच्चे हैं? हम पे 2 बच्चे हैं साहब। 2 बच्चे कितने बड़े बड़े हैं आपके? बच्चे होंगे को 30 साल की उम्र के। सरकारी नौकरी मिली किसी को? कुछ कोई नौकरी नहीं, कोई नौकरी, और तमाम जगह डोलिया को नौकरी आज तक ना मिल पाई, और हमें ही लोग जो गरीब किसान मजदूर सभी मिल के ही सरकार में हम लोग अपना मुख्य आदमी चुनते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हम लोग बनाते हैं, और हम लोग ही भेजते हैं, लेकिन यहाँ जाके कुर्सी पे बैठ जाते तो सबको भूल जाते। इसलिए पूरे भारत का जितना जो हाई वर्ग है वो सब नाराज है, अपर कास्ट यहाँ सब समाज, इधर बदलाव की लहर है, सब जितनी भी बिरादरी बोलते हैं सातों कास्ट सब भी बदलाव की लहर चाहते हो, फतेहपुर सीकरी की सीट को चेंज करना चाहते हैं। और देखो ये आपका गांव में कितने वोट हैं? कुंडौली गांव है आपका, इसमें पोलिंग बैठेगी करीबन 7-8 हज़ार की पोलिंग है, 12 हज़ार की तो ग्राम सभा है, कुंडौल के करीब 7 हज़ार के करीब है, 5 मंजरे लगते हैं इसमें, 7 हज़ार वोट है, तो 7 हज़ार वोट में पिछली बार सबको, सबने बीजेपी, बीजेपी को गई थी, टोटल बीजेपी को गई थी यहाँ से टोटल, और इस बार जभी तो 4G यहाँ से 4.5 लाख वोट से जीते थे, कैसे जीते थे आप ये बताओ, 4.5 लाख वोट से जीते हुए अभी क्षेत्र में हमारे में डोले नहीं, बताओ कैसे वोट दे? हमें बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, यहाँ के पिताजी जो बीजेपी कहता है उससे नाराजगी है हमारी, हमें किसी से नहीं, बाबा से कभी शिकायत नहीं, 2027 का चुनाव आएगा साथ में रहेंगे, फिर बाबा को देंगे, बिल्कुल रहेंगे साथ में, योगी जी पॉपुलर है, बिल्कुल योगी बाबा की सदा जय, योगी बाबा जिंदाबाद। पोलिंग के बाद मोदी की खैर नहीं है। जब जब छत्रियों के आन पे शान पे बात आएगी तो हम दिल्ली को पलट देंगे, मोदी की खैर नहीं, योगी से बैर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। जब देखो एक बात बताओ, उत्तर गुजरात के सीएम रहने के बाद वो सीएम के क्षेत्र में कोई इतना बड़ा बयान दे रहा है छत्रियों के लिए, उनने बोला कुछ भी? कुछ नहीं बोला। वहाँ पे हमारे छत्रियों ने इतनी बड़ी सभा करी और सभा करने के बाद हम ही मार खा रहे हैं वहाँ पे छत्री, बताओ क्या करा हमारे लिए? भाई हमारे किसान के ही बच्चे जो मीडिया में, पुलिस में, भोज में, सब में, लेकिन जब कोई यहाँ से ऊपर तक कोई सुधार नहीं होगा इसलिए पब्लिक खिलाफ है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम हेमंत तोमर है। आप भी ठाकुर समाजदाद से? पिछली बार 2022 में 2019 में किसको वोट दिया? भाजपा को दिया।
भाजपा को दिया है, इस बार भाजपा को दे दिया? नहीं देंगे इस बार, कोई भी इस बार नहीं देंगे, एक वोट भी नहीं कोई देने के। हम ही भरेंगे। 5 साल में कभी भी क्षेत्र में नहीं आए, कोई कार्य नहीं हुआ है हमारे क्षेत्र में, कभी घटनाएं हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं क्षेत्र के अंदर, कभी नहीं आए माननीय सांसद जी। सांसद जी ना आए बिल्कुल, 2-4 लड़के हमारे स्कूल के छोटे छोटे। पिछली बार वो 5 लाख से जीते थे, इस बार 6 लाख से हराएंगे। 6 लाख से हराएंगे जी। मतलब सिर्फ यही मुद्दा है या बाकी जो समाज में किसानों की आय दुगना करने की बात थी, MSP की गारंटी की बात थी, 2 करोड़ नौकरी देने की बात थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, वो भी मुद्दे हैं? ये तो बताइए कौन से किसान की आय दुगनी हो गई है? नहीं, उन्होंने दावा किया था, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं हुई, केवल दावे किए हैं, दावे दावे किए हैं, वो फाइलें बना के दब गई हैं, खरे नहीं उतरे हैं दावे पे। दरादर पे उतरते हम माननीय सांसद जी के पास कई बार गए समस्या लेके, वो कभी दिल्ली से ही नहीं मिलते थे, बोलते दिल्ली है। तो किसान नेता थे एक टाइम पे? अरे किसान नेते थे, उनने अपना ही घर भर लिया है, बस 1.5 बीघा जमीन थी, 150 बीघा जमीन है अब उनके पास, 500 करोड़ के आदमी हो गए हैं अब सांसद जी। आपका क्या नाम है? भोपाल सिंह। वोट डाला है आप? मतदान पत्र लाए हैं, क्या क्या जहन में क्या है, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे जाके आप? वोट तो डालेंगे, वो अंदर ही है, वोट तो डालना ही है भाई, कुछ क्या चाहते हैं? जैसे ये लोग नाराज है बीजेपी को, पिछले बीजेपी को देश भर कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, आप? अब हम देंगे बीजेपी छोड़ देंगे, कागज दूसरे देंगे तो काम ही नहीं कुछ हो, तो आदमी को मतलब आवत जात ना आदमी को देखा नहीं है सकल उसकी, हमने तो यहाँ हम तो जानते ना का मतलब बीजेपी को नहीं दे रहे हैं आप? नहीं तो अब क्या करें, बीजेपी देखे बहुत से लोग तो कह रहे बीजेपी को नहीं देंगे आप भी वोट, तो ये एक पैटर्न है। आप युवा कौन फौज की तैयारी कौन कर रहा है, तुम कर रहे हो? सारे बच्चे जब जॉब ही नहीं है तो फौज की तैयारी से होगा भी क्या? ये अग्निवीर के लिए कोई तैयारी नहीं करेगा, तैयारी कर रहा है 4 साल का अग्निवीर करने के लिए शादी भी नहीं होगी। 4 साल वाले बच्चे की अग्निवीर में शादी भी नहीं होगी, 22 में शादी योग्य होगा वो, तो उसकी तो दोनों जॉब रिटायर हो जाएगा तो फिर शादी कैसे होगी 22 के बाद में, ये बताओ, शादी भी नहीं होगी उस बच्चे की, तो उसका तो भविष्य खराब है ना। क्या सबसे ज्यादा गरीब बिछड़ा किसान युवा इनको दबा दो, हम सत्ता में यस करें, अपनी दिल्ली पे कुर्सी पे बैठ के अपनी खूब रोटी सीखें, राजनीति अच्छी होती है, किसी अर्ध किसी जाति को विशेष ध्यान में रख के, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, राम मंदिर राम मंदिर, कुछ विकास की बात तो हो, धड़ाधड़ पे काम तो उतरे। आगे सर रावत जी चले गए, उदयवान सिंह चले गए, मैं 40 साल वोट देते थे कहीं, लेकिन आज तक हम जाई में कहते कि चलो आगे करेंगे बच्चों बढ़िया करें। आपने जिंदगी में पहली बार कांग्रेस को वोट दिया है क्या? पहली बार मैं कांग्रेस में दे रहा हूँ, रामनाथ कांग्रेस का चिन्ह नहीं देख रहे हैं, पूरा इलाका रामनाथ को देख रहा है जी, समझो 100 में से 10 वोट चली जाए तो चली जाए, धोखे में 60 वोट निकलेंगे पूरे, सब नाराज है टोटल। हमने 5 लाख तो जिताए के भेजे, लेकिन हमारे बच्चे छोटे छोटे कुचल के मर गए, इतना टाइम नहीं था कि बच्चों को दुख में आवे। तो सोच रहे हैं जो लोग ये सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर है, मोदी के नाम पर वोट मिल जाएगा, उन्हें ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। मैं एक पोलिंग बूथ के सामने हूँ और गांव में मुझे पता नहीं था ये, मैं तो अचानक से यहाँ के लोगों से पूछा कि आप लोग के पास आके पूछा, हम तो सड़क से जा रहे थे लोगों से, तो लोगों से बात करके एट रैंडम आकर के पूछा, लोग आपके सामने आ गए और ये हकीकत है। तो कोई यहाँ लहर नहीं चल रही है किसी की, जहाँ पर कैंडिडेट अच्छा है बीजेपी का वहाँ मिल रहा है, और जहाँ कैंडिडेट खराब दिया है बीजेपी ने वहाँ लोग वोट नहीं दे रहे हैं। और क्षत्रिय समाज की जो नाराज़गी हमने देखा पहले फेज़ में थी दूसरे फेज़ में थी, वो अभी भी जारी है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि क्षत्रियों को मुर्दा समझ लिया इस सरकार ने, मोदी तेरी खैर नहीं, तरीके की बातें हो रही हैं। तो कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए। 2014 में 24 छत्रियों का टिकट था भारतीय जनता पार्टी से और 20 छत्री जीत के आए, 2019 में 20 छत्रियों का टिकट था 18 छत्री जीते, क्या इस बार 4 छत्री को ही वोट टिकट देना बन गया बस, छत्रियों को हटाना है क्या सरकार को? छत्री केवल लेके दिल्ली पहुंचा है सरकार को, हर छत्री का कोई सम्मान नहीं है, सब जाति मिला के वोट देती है वो जीतता है। यहाँ का जो कैंडिडेट था बीजेपी का, हर समाज ने विरोध करा था, बहुत विरोध करा था, तो भी यहाँ से सीट चेंज नहीं। अगर बीजेपी से यहाँ पे कोई और भी होता, अगर किसी पे भी टोपी लगा के बेच देते वो यहाँ से जीत के जाता,
सांसद जी हमने यहाँ पे विरोध करने के बाद भी यहाँ पे कुछ लोग है, कुछ रिपोर्टर दिखाने लगे कि आप लाख कोशिश कर लो जी यहाँ से सीट चेंज नहीं होगी। एक तानाशाही सरकार, एक तानाशाही गुजरात में विरोध किया, गुजरात में क्षत्रियों ने विरोध किया तो वहाँ तानाशाही दिखाई, आप चेंज कर सकते थे तो ठाकुर खिलाफ नहीं होता था। मोटा आप लोगों की समझे कि यहाँ पर अगर ये लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी के चेहरे पर वोट मिल जाएगा बीजेपी को, तो ऐसा नहीं है। आपको अच्छे कैंडिडेट देने पड़ेंगे, आपको आप जनता को ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं कि जनता तो और खासकर अपर कास्ट ऊंची जाति के ठाकुर ब्राह्मण को आप ये सोचने की तो बीजेपी को वोट देगा ही देगा, किसी को भी दे दो। तो ये रिपोर्ट हमने वो बताने की कोशिश की है। तो प्रत्याशी अगर अच्छा देंगे तो लोग वोट देंगे, प्रत्याशी अच्छा नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे। यानी अब ज़मीन पर थोड़ा उतरने की ज़रूरत होगी बीजेपी को, सरकार बने ना बने हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार थोड़ा आईना ज़रूर दिखा दें। और अग्निवीर जो योजना है उसका ज़मीन पर व्यापक असर है, जिसमें ऐड कर रहे हैं बीजेपी के कुछ खराब कैंडिडेट। सहयोगी शायान के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।